नमस्कार दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो इंडोर यूनिट के ब्लोअर मोटर है एसी के अंदर की, ये सब एसी ब्लोअर मोटर है, मतलब एसी सप्लाई के ऊपर चलने वाली ब्लोअर मोटर है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, अगर फीडबैक वाली मोटर है या विदाउट फीडबैक वाली मोटर है तो उसको किस तरीके से चेक करना है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। राइट, कोई तो ये ब्लोअर मोटर अपन ले लेंगे, बराबर। इसमें फीडबैक का एक अलग से कनेक्टर होता है और दूसरा कनेक्टर होता है अपना एक कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का। इसका जो कैपेसिटर होता है वो पीसीबी के ऊपर लगाया रहेगा, या दूसरा एक अपना एसी मोटर होता है इस टाइप वाला, जिसमें अलग से एक 2 माइक्रोफेरेड का या 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगता है और ये कनेक्टर लगता है अपना पीसीबी के अंदर, बराबर। अगर ये अपनी फीडबैक वाली मोटर है तो इसमें फीडबैक का कनेक्टर क्या काम करता है, इसको किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ है, इसके ऊपर अगर इधर देखोगे तो ये ओवरलोड लगा हुआ है, इसको भी मैं आपको निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। ये थोड़ा चिपका हुआ रहता है, बराबर। इसको मैंने बाहर निकाला, तो अगर ये ख़राब हो गया है या इसको कैसे चेक करने का है, इसका क्या काम है मैं आपको बता दूंगा। अगर ये पहले फीडबैक बता देता हूँ, फीडबैक इसको थोड़ा खोल लेते हैं अपन, मोटर को थोड़ा खोल लेता हूँ मैं। मोटर को खोलने के बाद इसके बैक साइड में देखोगे तो एक छोटा सा पीसीबी देखने के लिए मिलेगा, बराबर। इस पीसीबी के अंदर इधर के साइड में, इधर अगर आप देखोगे तो एक सेंसर लगा हुआ है और एक अंदर के साइड में मैग्नेट जैसा एक रिंग है अपने रोटर के ऊपर, उस रिंग के ऊपर एक मार्किंग किया हुआ है। ये जो मार्किंग देख रहे हो आप ब्लूइश कलर की जो मार्किंग है, ये मार्किंग जब इस सेंसर के कॉन्टैक्ट में से चली जाती है, मतलब सेंसर के कॉन्टैक्ट में से जाती है, तो क्या करता रहता है, अपनी मोटर घूम रही है या कौन से स्पीड से घूम रही है, लो मीडियम हाई, इसका जो फीडबैक है वो पीसीबी को दे देता है, ये फीडबैक वाला कनेक्टर। तो इसके अंदर कितना सप्लाई आता है मैं बता देता हूँ। इसमें जो ये 3 वायरें लगी हुई है फीडबैक वाले कनेक्टर के अंदर, जो 3 वायरें लगी हुई है, बराबर, इसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड वाली वायर आप देख रहे हो, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बाहर निकाल देता हूँ। इसमें जो लेफ्ट साइड वाली वायर आप देख रहे हो, बीच वाली वायर ग्राउंड की, लेफ्ट साइड वायर वोल्टेज की है, और ये जो इसका फीडबैक की वायर है, मतलब यहाँ पे 5 वोल्टेज डीसी सप्लाई आएगा। इन दोनों में जब आप चेक करोगे, इन दोनों में तो 5 वोल्टेज डीसी सप्लाई आना चाहिए और इसके अंदर ये फीडबैक जाएगा। इसको ग्राउंड के साथ अगर चेक कर दिया तो स्पीड के हिसाब से इसके अंदर आने वाला वोल्टेज वो कम हो जाएगा, मतलब 3 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज, 3.2 वोल्टेज, इस तरीके से इसके अंदर का फीडबैक वोल्टेज देखेगा। और ये अपना है अपना ग्राउंड और 5 वोल्टेज डीसी सप्लाई, इसके दोनों के अंदर आएगा। ये कनेक्टर अपना रहेगा पीसीबी में कनेक्टेड, बराबर। इस कनेक्टर के अंदर की 2 वायर है, जैसे कि बीच वाली वायर ग्राउंड की और लेफ्ट साइड वाली वायर क्या है अपनी 5 वोल्टेज की, मतलब ये दोनों वायर के अंदर अगर आपने चेक किया पहले 2 वायर के अंदर, तो 5 वोल्टेज डीसी सप्लाई आना चाहिए और ये वाली वायर अपनी फीडबैक वाली वायर है। तो इस तरीके से इसको चेक करना है फीडबैक। कभी कभी कोई मोटर के अंदर ये बैक साइड से लगाया रहेगा मोटर के शाफ्ट के, या किसी मोटर के अंदर इधर फ्रंट साइड से भी लगाव रहेगा, हो सकता है। ओके, दूसरी चीज़ है, इसके अंदर जो बची हुई कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की 3 वायर है, तो इसके ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये इधर फीडबैक वायर का डायग्राम है, ये अपना कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का डायग्राम है। इसके अंदर जो ब्लैक है अपनी कॉमन की वायर, जो व्हाइट है व्हाइट कैपेसिटर के आउटपुट पे लगी हुई है, इसका मतलब है व्हाइट है अपनी स्टार्टिंग की वायर और रेड है अपनी रनिंग की वायर, सॉरी रेड है रनिंग, व्हाइट है स्टार्टिंग और ब्लैक है अपनी कॉमन वायर। इस तरीके से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की वायर निकल, लास्ट में बची ये ओवरलोड, इसको ओवरलोड बोलते हैं, इसको थर्मिस्टर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसके ऊपर अगर आप अच्छे से देखोगे, ये इसे प्लास्टिक कवर के नीचे लगाया रहता है, इसको अपन यहाँ से बाहर निकालेंगे। इसके ऊपर देखो 90 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, मतलब ये जब 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो ये अंदर से ओपन हो जाएगा या इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये आगे सप्लाई नहीं छोड़ेगा। अगर आगे सप्लाई नहीं जाएगा, मतलब अगर मोटर के अंदर इसकी बेयरिंग्स वगैरह कुछ खराब हो गई, इसके अंदर कुछ मैकेनिकल इशू आ गया, जैसे कि इधर देखो मोटर के अंदर ये बेयरिंग लगी हुई है, राइट, फ्रंट साइड से भी जो वायरिंग हो गई वो खराब हो गई है, मोटर में कोई भी वाइंडिंग का इशू हो गया, तो इसकी वजह से अगर मोटर हीट हो गई तो मोटर हीट होने के टाइम पे या अपना इंडोर को जल ना जाए या बाकी फाइबर पार्ट्स को पिघले ना, इसके लिए मोटर को ऑफ होना चाहिए 90 डिग्री सेल्सियस के लिए, इसलिए ओवरलोड लगा हुआ है। इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, कभी कभी ये ओवरलोड भी अंदर से ओपन हो सकता है, इसकी वजह से भी अपना वर्किंग नहीं करेगा एसी या ब्लोअर मोटर घूमेगी नहीं। तो इसका चेक करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्या करो, इस वायर के ये दोनों वायरों में एक दूसरे में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ये खाली कंटिन्यूटी चेक करना है। इसको अपन थोड़ा ऊपर से छीलेंगे और इसके अंदर की कंटिन्यूटी अपन चेक करेंगे, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अगर कंटिन्यूटी आ गई इसका मतलब ये अपना अच्छा है, अगर कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो जो ब्लैक वाली वायर है अपनी कॉमन की वायर है, ये इधर कॉमन के वायर को इधर व्हाइट वायर लूप कर दिया ब्लैक वाली वायर को, तो कॉमन मोटर को जाएगी नहीं, कॉमन अगर मोटर को नहीं गई तो मोटर अपनी वर्किंग नहीं करेगी। इसलिए जो ओवरलोड लगा हुआ रहता है ये कॉमन के वायर के अंदर ही लगा हुआ रहता है और इसके पास से मोटर के अंदर वायर चली जाती है अपनी कॉमन की। तो मैं अभी आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा अभी ऊपर से थोड़ा ओपन कर देता हूँ, बाद में इसके अंदर की कंटिन्यूटी आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो मैंने क्लैमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर दिया है,
एट किलोमीटर के अंदर कंटिन्यूटी आ रही है। अभी इसकी जो ओवरलोड के अंदर की जो दो वायर है इसके अंदर मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देता हूँ। अभी देखो आप कंटिन्यूटी का बजर बजेगा, देख रहे हो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब है अपना कॉमन वाला सप्लाई अपने मोटर को भेज रही है और रनिंग स्टार्टिंग जब मिलेगी तो अपना मोटर घूमना चालू कर देगी। इस तरीके से इसके अंदर ये फीडबैक का कनेक्टर काम कर देता है। अगर फीडबैक के कनेक्टर के अंदर जब 5 वोल्टेज डीसी सप्लाई नहीं आएगा तो भी मोटर अपना एरर दिखा सकती है, राइट। अगर मोटर खराब होने के बाद ही एरर दिखेगा ऐसा कुछ नहीं, फीडबैक में भी सप्लाई आना बहुत जरूरी है। 5 वोल्टेज डीसी सप्लाई बाद में ये वायर किधर से कट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप मोटर को चेक कर सकते हो। इसमें ये फीडबैक के लिए लगा हुआ है, इधर एक सेंसर है और इसके ऊपर एक मार्किंग है। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।